शिक्षा दिवस के अवसर पर जनपद में 578 नए अध्यापकों का काउंसलिंग प्रक्रिया जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में रविवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। काउंसलिंग प्रक्रिया के दूसरे दिन अध्यापकों को से विकल्प भराया गया, जो सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहा। 3 सितंबर को अभ्यर्थी विद्यालय का विकल्प चयन करेंगे। आपको बताते चलें कि विद्यालय आवंटन के लिए वरीयता क्रम निर्धारित किया गया है। वरीयता क्रम में सबसे ऊपर दिव्यांग महिला शिक्षक, उसके बाद दिव्यांग पुरुष शिक्षक, फिर महिला व पुरुष शिक्षक अपनी मेरिट के अनुसार विद्यालयों का चयन कर सकेंगे। इनके मेरिट के आधार पर विद्यालय आवंटित होंगे। बताते चलें कि नए शिक्षकों को जनपद के बंद एवं एकल विद्यालयों में भेजा जाएगा। इसके बाद छात्र संख्या के अनुपात में जहां कम शिक्षक होंगे वहां शिक्षकों की तैनाती होगी। आपको बताते चलें कि 68,500 शिक्षकों की भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा में 41,556 अभ्यर्थी सफल हुए थे। करीब 40,219 जनपद चयन के लिए प्रक्रिया में शिरकत की, जिसमें से 34,600 को ही विद्यालय आवंटित हुए। सफल अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति देने को लेकर लखनऊ में उच्च अधिकार प्राप्त समिति की बैठक हुई है। जल्द ही अन्य अभ्यर्थियों को भी जनपद आवंटित हो सकता है। इसमें गोरखपुर को 46 और अध्यापक मिल सकेंगे। के लिए अंदर आइए। आपके सामने एलईडी स्क्रीन दर्शित हो रही है, जिसमें जो जो विद्यालय लॉक कर दिए गए हैं वो दर्शित है। उसको देख लीजिए, उसका मिलान कर लीजिए अपनी सूची जो आप लोग लिए हुए हैं। कम से कम अंदर समय लीजिए ताकि हम लोग जल्दी जल्दी यहाँ पे काउंसलिंग संपादित करा सके।